नाज़रीन, अब बात करूंगी मैं मकबूजा कश्मीर की। तो करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। अरे भाई एक रुमाल देना। और मैं हूँ पाकिस्तान। आप लोग रोना बंद कीजिए। मैं हूँ एक कनीज। और मैं हूँ इस कनीज का शहंशाह। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा निगाह पड़ा है मैंने फिजा खलीफा के साथ में। अल्लाह तौबा, प्रूफ भी है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। जमीनों जमान के मालिक ने ये कायनात तख्लीक की, चार मौसम बनाए। फिजा पूरी दुनिया के अंदर चार मौसम होते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में छह मौसम होते हैं। हमारे भगवान ने हमारे लिए छह मौसम बनाए। अब तुम पूछोगे नाम क्या है, तो मेरे को नाम भी बताने पड़ेंगे तुम्हारे को। सबसे पहला नाम है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर। तो फिजा खलीफा ये छह नाम याद कर लो, और आगे से जब भी प्रोग्राम बनाओ अपने पाकिस्तान में तो बोलना कि छह मौसम बनाए। ठीक है जी। नाज़रीन, अब बात करूंगी मैं मकबूजा कश्मीर की। भैया बात ऐसी है, कश्मीर में होने वाले चुनाव और चुनावों की राजनीतिक रैलियां वहाँ पे धमाधम सारी पार्टी वाले करे जा रहे हैं, जिसको राहुल गांधी क्या कहते हैं, वही खटाखट खटाखट। हिंदुस्तान के चुनावों की चर्चा तो पाकिस्तानी हर जगह करते करते हैं, लेकिन जब बात कश्मीर की हो तो इसको कश्मीर को तो भाई इनका कश्मीर तो इनकी शेरग है, उसमें चुनाव हो रहे हैं वो भी 10 साल के बाद में, तो फिजा खलीफा का तो डिस्कशन करना बनता है भाई। और इन पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा हवा हमारी देती है कांग्रेस की पार्टी। बहुत सारे कांग्रेसी भाई मुझे गाली देके जाते हैं, मुझे बोल के जाते हैं तू बीजेपी वाला है, ये वाला है, वो वाला। मेरे भाई मैं देश वाला हूँ, पाकिस्तान की और कांग्रेस की लैंग्वेज एक है, तो दुश्मन के साथ मिली हुई पार्टी को क्या बोलोगे तुम। और मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सुनो तुम्हारे डियर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। सबसे अहम बात, कांग्रेस का रियासती मंशूर है जिसने बीजेपी और मोदी एंड कंपनी को गर्म तवे पर बिठा दिया है। तर्जमान कांग्रेस ने कहा है कि कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका है। ख्वाबों का कब्रिस्तान, ये कांग्रेस बोल रही है। देख रहा है बिनो, दुश्मनों के मुंह में अल्फाज देना तो कोई कांग्रेस से सीखे। आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर पर मोदी ने जबर की सियासत की है, और कांग्रेसी तर्जुमान का ये भी कहना है कि मकबूजा कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसका हक छीनकर उसे मरकज के जेर इंतजाम किया गया। हम वादा करते हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करना यकीनी बनाएंगे, जिस पे भारतीय वजीर आजम के करीबी साथी और भारतीय वजीर दाखला अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका है, अब बहाल नहीं किया जा सकता। हम इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे ताकि कश्मीर पर कोई ना बोल सके। पाकिस्तान, फिजा खलीफा और पाकिस्तान की चाहने वाली कांग्रेस पार्टी के लोगों, तुम कान खोल के सुन लो, तुम कान का मैल निकाल के सुन लो, आर्टिकल 370 और 35 है, अब कश्मीर में कभी भी नहीं लगेगा। वाह भाई वाह। ये जो आर्टिकल था ये संविधान से हटाती है, जो चीज संविधान में ही नहीं है वो लागू कैसे होगी। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती है, देख रहे हो आप। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 90 निशस्तों के लिए 86,92,000 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, और देखते हैं कि जी कितने जो रजिस्टर्ड कश्मीरी वोटर्स हैं ये वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं। कितने लोग बाहर निकलते हैं वो तुम अपनी आंखों से देख लो। ये लोग जम्मू कश्मीर के लोग हैं, श्रीनगर वैली के लोग हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं। मोदी जी जब से आए, जब से मोदी जी ने शासन संभाला है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे डर का माहौल खत्म है। बीजेपी जब से आई है कश्मीर में तो कश्मीर के फायदा ही फायदा हुआ है। हर गरीब को 2,000 रुपया भी मिल गया, किसान को भी मिल गया, दाल रोटी और चावल भी मिल गई, मतलब मुफ्त राशन मिल गई, गरीबों को कपड़े भी मिल गए। वाह भाई वाह। तब कश्मीर में भी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। कश्मीर को मॉडर्न सिटी भी कहते हैं, उन सब की वजह मोदी जी है, क्योंकि शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। कश्मीर को अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम 5 अगस्त 2019 जब से यहाँ पे धारा 370 और 35 एक बर्खास्त हुई, तब से कश्मीर आजाद हुआ, तब से हमने खुली सांस ली है। और इनको तो छोड़ो, ये तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की भाषा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लो। क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया, सही हो गया, ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तानी, उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर है, कश्मीर है, ठीक है। तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। जो पहले कहते थे ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो चीज आहिस्ता से खत्म हो रही है भाई। ये मुझे तो लगता है ये जो पाकिस्तान है ये भी मकबूजा बन जाएगा। ये ठीक है, कश्मीर में बहुत खुश आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है।
को एक हल तलब मुतनाज़े रियासत का बकायदा स्टेटस हासिल था वो दोबारा बहाल हो सकता है। बीजेपी ने कश्मीर के अंदर अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, बड़ा इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टो है। इसमें दो चीजें जो हैं वो दैट आर बीइंग हाईलाइटेड बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज अ हिस्ट्री। इट मींस कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो वहां पे क्लियर हो गई। वाह मोदी जी वाह। अगर वो हमसे ज्यादा बेहतर है तो क्या वो पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे? मुश्किल है ना? मुश्किल है। कि यूएन में ये मामला जब गया था तो ये लोग खुद लेकर गए थे, सबको याद है, और यूएन की रेजोल्यूशंस भी हैं। तो अब इस चीज को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता है? हम किस लेवल तक जा सकते हैं इस मामले पर? क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है, हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले इस मामले पर। और जिस तरह काबिज हुए वहाँ पे, 370 की बात कर लें, 35A आर्टिकल की बात कर लें, और अब जिस तरह के बयान यहाँ से आ रहे हैं बीजेपी की जानिब से, अपने एक बॉडी लैंग्वेज और अपना अंदाज और जो कुछ कर चुके हैं और आगे भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो अब हमारा क्या किरदार होना चाहिए इस मामले में? और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई ये तो नहीं कह सकता कि एक अंदरूनी मामला है किसी का, ये यूएन को भी इसको सीरियस लेना होगा। इसमें ना डिफरेंट चीजें हैं जिसको हम जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्टली कि वो उन्होंने जो है ना वो ठीक है जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिवोक किया, उनका स्पेशल स्टेटस जो है ना वो खत्म किया, और अब जो है ना उनके बेसिक जो है ना वो धाड़े में जो है ना वो आ चुका है। हाँ, वो ये कर सकते थे, उन्होंने किया। अब लोगों का ओपिनियन क्या है कि लोग वाकई में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमें इलेक्शन डे के पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट पोल्स जो है ना वो हो जाएंगे और उसकी बेसिस पे पता चल जाएगा कि लोगों का रियल टाइम ओपिनियन जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुआ है इलेक्शंस में या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान बार बार कहते हैं कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, जैसे स्पेशल स्टेटस की बात की, इंडिया ने कहा कि मैंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है ख़त्म कर दिया। अब वो कोई मुद्दा कश्मीर का रह नहीं गया, तो हमारे और पाकिस्तान के बीच अब कोई बात है ही नहीं जो हम डिस्कस करें। कश्मीर इशू भी इंडिया के मुताबिक हल हो गया है बेसिकली। हाँ, उनके मुताबिक तो हल हो गया। ठीक है, उनको क्योंकि उनको वही चीज़ चाहिए थी जो उनकी टेरिटरी में थी, और उन्होंने ना उस चीज़ को ही जो है ना वो करना था। क्योंकि अभी बेसिकली ये हो भी नहीं सकता, जंग हो भी नहीं सकती है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है ना वो पावरफुल कंट्रीज हैं, तो जंग नहीं हो सकती है। कोल्ड वॉर ही रह सकती हैं। क्या आप ट्रेड बंद कर दोगे, एक दूसरे के साथ सफारती ताल्लुक कर दोगे, बस यही जो है ना वो, उसके अलावा कोई मेन जो है ना वो हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर इन केस वॉर होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट नहीं है, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है। क्योंकि हम जो है ना वो रीजन वाइज हमारी जो है ना वो जो ज्योग्राफी इलाके हैं ना, हमारे साथ चाइना है, रशिया है। ठीक है, सो हम जिस एरियाज में रहते हैं ना, यहाँ पे जंग हो भी नहीं सकती है। यहाँ पे जंग होने का मतलब ये है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है ना वो। ठीक है, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में करते हैं, OIC में करते हैं, तो हमारी कश्मीर की बात की इतनी वर्थ नहीं होती। इंडिया जो कश्मीर के बारे में कहता है या करके दिखाता है, दुनिया उसके ऊपर जो है बिलीव करती है। मतलब हमारी तो कश्मीर के ऊपर अब कुछ सुनवाई रह भी नहीं ना गई। ये तो आप देख लीजिए, जब इंडिया ने G20 कश्मीर के अंदर करवाया और ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, दुनिया की पावरफुल कंट्रीज ने जब कश्मीर विजिट किया तो वो खुद सरप्राइज जाएगी। तो पाकिस्तान तो कहता था जुल्म हो रहा है, ये तो बहुत डेवलप है, UAE वहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बेसिकली ना अब दुनिया में जो है ना वो दुनिया में एक ही चीज, जिस तरह से हम खैर लोकल में भी माना जाता है, लेकिन दुनिया में भी ना पैसे की जबान बोली जाती है। जो कंट्री जितना ज्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है ना इकोनॉमिकली, उसकी आवाज जो है ना वो उतनी ज्यादा जो है ना वो ऊंची होती है। देख लें कि OIC की मीटिंग में जो है ना वो उन्होंने इंडिया को किया हुआ था, और उन्होंने कहा था पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो है ना वो इंडिया में है, और मोदी साहब को फ्रंट पे खड़ा करके तस्वीर बनवाई थी, वो पहले रुकन भी नहीं थे। हाँ, तो डॉक्टर फिजा खलीफा क्या बोलना चाहोगे आखिर में? क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है, हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले इस मामले पर। ये बंदी नहीं सुधरने वाली भाई, ये नहीं सुधरने वाली है। ये मरते दम तक, जब मरेगी ना तब भी ये बोलेगी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरे को एलर्जी है, अस्थमा है। अभी ये सांसें ठाकुर जी ने दी है, तो वो सांसें कभी कभी धीमी कर देते हैं या रोक भी देते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उन तकलीफों के दौरान वीडियो बना पाना असंभव हो जाता है एक तरीके से, और सर्दियों में तो ये तकलीफ मुझे और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप में से बहुत सारे भाई लोग हमेशा कमेंट करके जाते हैं, भाई जब तबीयत खराब होना तो वीडियो मत बनाया करो। भाई अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो इन पाकिस्तानियों को धोएगा कौन? और दूसरी सबसे बड़ी बात, दाल रोटी कैसे चलेगी भाई? जैसे आप लोगों का कुछ ना कुछ प्रोफेशनल होगा, आप भी कहीं जॉब पे जाते होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे, ऐसे ही है मेरा फुल टाइम वर्क है। तो भाई
इसी से अपना गुजारा चलता है, तो इसके लिए भी करना पड़ता है। खैर, जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक ऐसे ही पाकिस्तानियों को पहलते रहेंगे। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।